For all the new stuff, click on this bell icon and make sure you never miss a video from Scoop Hoop. मेरा नाम है शेरगिल। मैं किसी भी प्रकार की स्पेशल फोर्सेस में कभी नहीं था, पर फिर भी मैं रोजमर्रा की खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने में माहिर हूं। मैंने कम अटेंडेंस होने के बाद भी अपने कॉलेज में सारे एग्जाम्स दिए हैं और हर अप्रेजल इंटरव्यू में अपनी खड़ूस एचआर को इम्प्रेस किया है। आज मैं अपने क्रू के साथ अपने आग उगलते बॉस से छुट्टी की सिफारिश करूंगा, अपने कुंभ के मेले जैसे जिम में वर्कआउट करूंगा और डेस्पोस से भरी एक हाउस पार्टी में एक लड़की को इम्प्रेस करूंगा। हर रोज लाखों लोग ऐसी चुनौती भरी परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप इन हालातों में कैसे बचे रह सकते हैं। मैं फिलहाल अपने भीड़ भाड़ भरे जिम में हूँ और यहाँ वर्कआउट करना खतरे से खाली नहीं है। इस भीड़ भाड़ भरे जंगली इलाके में मुझे रोज तरह तरह के प्राणियों का सामना करना पड़ता है। डंबल्स, रॉड्स, मैट्स, ये सब हथियाने में ये प्राणी एक सेकंड का समय भी नहीं लगाते और साथ ही साथ आपकी डेडिकेशन को पूरा निगल लेते हैं। तो आज मेरा लेग डे है और मेरा पहला पड़ाव है लेग एक्सटेंशन मशीन। देखते हैं वो कहाँ है। उत्तरी दिशा में, चलिए। आराम से। अरे बाप रे, यहाँ तो एटीएम से भी लंबी लाइन लगी है। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो अपनी सुडौल टांगे किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। ऐसे प्राणियों को काबू करने के लिए आपको बल से नहीं बल्कि छल से काम लेना चाहिए। ब्रो, आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट, मुझे वे प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, कुछ बता सकते हो? आइसोलेट यार, ऑलवेज आइसोलेट। तो पागल हो गया है क्या? एक आइसोलेट का डब्बा लेने में आधी सैलरी लग जाती है। अबे इसे कुछ नहीं पता। इसकी सुनेगा तो किडनी बेचनी पड़ेगी। तू मुझे नहीं पता तो तुझे पता है क्या? इसी को पता है सब, इसी को पता चाहिए। इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं? सिर्फ टाइम पास करने के लिए ऑफिस आते हो तुम लोग। दिमाग खराब हो गया यार, तुम्हारी जगह अगर किसी इंटर्न को रख लिया हो ना। देखिए, हर जंगल में सिर्फ एक ही शेर होता है और इस जंगल का शेर मैं नहीं बल्कि अंदर बैठा वो खड़ूस है, पर आज मुझे इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कल की छुट्टी चाहिए। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, पर मैं फिर भी कहूंगा जब भी कोई शेर गुस्से में हो तो उसके करीब नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं यहीं बैठकर कुछ देर इंतजार करूंगा। क्या करूंगा? ओप्स। किसी भी प्रकार के बॉस को काबू में करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस। आप चाहो तो तीन बार बोल सकते हो, बट आई डोंट लाइक टू रिपीट myself। सर, क्या चाहिए? सर, बस वो कुछ अपडेट्स देनी थी आपको। अच्छा, बताओ। सर, क्लाइंट काफी खुश था प्रेजेंटेशन से। थैंक यू, स्लाइड आने से पहले ही उन्होंने हमें तीन बार स्टैंडिंग ओवेशन भी दी थी। वैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते समय दो एम्प्लॉयज को मामूली चोट पहुंची थी, पर उन्हें मैंने वर्कर्स कॉम्पेंसेशन लॉसूट फाइल न करने के लिए मना लिया है। गुड, इसी के तो पैसे मिलते हैं तुम्हें। एंड हाँ सर, वापस आते हुए वी ऑल्सो पिक्ड अप योर फेवरेट सैलड विद हनी मस्टर्ड, रैंच, साउथ वेस्ट एंड चिली, जस्ट द वे यू लाइक इट सर। गुड गुड। तो ये बताओ अगला कदम क्या है? बस परसों जैसे ही मैं छुट्टी के बाद आ जाऊंगा, आई विल सेंड देम द बिल फॉर द वर्क डन। शाबाश मेरे शेर। ऑलवेज माई प्लेजर सर। Oh!
फिलहाल मैं दक्षिण दिल्ली की एक हैपनिंग हाउस पार्टी में हूँ। आप यहाँ के वातावरण पर मत जाइए। यहाँ शुरुआत पिंक फ्लॉयड के गाने से जरूर हुई है, पर कुछ देर बाद आपको यहाँ सुनाई देंगे कुछ शानदार भोजपुरी गाने। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो आज रात मुझे किसी सुंदर लड़की से फ्लर्ट करने का मौका भी मिल सकता है। अद्भुत। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लड़की पहले से ही काफी परेशान है डेस्पोज नाम के अद्भुत प्राणियों से। तो फिलहाल इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। डेस्पोज कहीं नहीं दिख रहे हैं, यही सही वक्त है। वैसे तो मेरी रगों में खून कम कॉन्फिडेंस ज्यादा है, पर इस वक्त सच कहूं तो इस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी महसूस हो रही है। पर घबराइए नहीं, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, डेनवर। इसके सहारे मैं अपनी कॉन्फिडेंस की गिरती मात्रा को बढ़ा सकता हूं और कामयाबी पा सकता हूं। हाय, आपको पता है इन्हें नाचोस क्यों बोलते हैं? नहीं। आप चाहती हैं तो मैं आपको इंप्रेस करने के लिए गूगल कर सकता हूँ। स्मॉल टॉक करने का अच्छा तरीका है। हाय, माय नेम इज शेर। सोनाली। आज का दिन करीब करीब खत्म हो चुका है। आज हमने अपने दिल, दिमाग और कॉन्फिडेंस की बदौलत पूरे दिन की हर परिस्थिति को पार किया। अफो। लेकिन इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और मेरी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया होगा। तो क्या लगता है आपको कि मुझे घर में एंट्री मिलेगी या नहीं? जानने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलना। Till then, stay sheer. उम्मीद है कि आपको शेर दिल के कारनामे देखकर मजा आया। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी शेर बन सके। और अगर कभी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो तो डेनवर का इस्तेमाल करिए। एंड एज ऑलवेज, स्टे शेर।